हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर वीरेंद्र सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम जो कि एमपी में होता है, एसएससी जो पूरे इंडिया में होता है, उसके साथ अगर आप यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर गुजरात किसी भी स्टेट में स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम मैथमेटिक्स के बारे में जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखने वाले हैं, वर्ग निकालना। अक्सर आपने एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जब आप बड़ी संख्या आती है और उसका वर्ग निकालते हैं, तो आप एकदम से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें जो वर्ग निकालना है वो हम कैसे निकालें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी टाइप के अगर वीडियो आप चाहते हैं, और अगर मैं इस वीडियो में आगे का पार्ट भी बताऊं, और मैं कभी कभी इस वीडियो पर या इस चैनल पर आकर नई नई चीज़ों की जानकारी या फिर आपको स्पेशल मैथ्स और रीजनिंग की जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं समय निकालूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिले। आज हम देख रहे हैं कि अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं तो किस तरह से निकालेंगे। आपको ये चीज पता है, नंबर और उसका स्क्वायर। आपको एक बेसिक जानकारी मैं बता देता हूं, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनका अगर वर्ग लें हम तो ये सभी को याद होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 का 1 होता है यानी कि 1, 2 का 4 होता है यानी कि 4, 3 का 9 होता है यानी कि 9, 4 का 16 होता है यानी कि 16, 5 का 25 यानी कि 25, 6 का 36 यानी कि 36, 7 का होता है हमारे पास 47 यानी कि 49, एंड 8 का होता है हमारे पास 64 यानी कि 64, और 9 का होता है हमारे पास 81 यानी कि 81, और 10 का यानी कि 10 का होता है हमारे पास 100। अब हम आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे हम। आज हम देख रहे हैं कि अगर आपका 50 यानी कि 50 के अप्रोक्स है, किसी भी आपके पास वैल्यूज ऐसी आती है कि आपको कैलकुलेशन करना है कि इसका स्क्वायर निकालना है, कि वर्ग निकालना है हमें, लेकिन 50 के अप्रोक्स होना चाहिए वो, आपका थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो उसका आप यूं यानी कि एक मिनट में किस तरह से आप निकाल सकते हैं उसका वर्ग, तो यह चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि 50 का वर्ग क्या होता है, ये आप याद भी रख सकते हैं, या फिर सिंपल तरीके से 5 का वर्ग हमारे पास 25 होता है, और 1 का डबल जीरो लगा सकते हैं आप, तो यहां पर हो जाता है हमारे पास 2500। 2500 होता है हमारे पास 5 का वर्ग। अब देखिए यहां पर हम अब देखते हैं कि 51 यानी कि 51 का वर्ग हमें क्या आएगा। देखिए सिंपल सी ट्रिक है, 51 है हमारे पास ये एक संख्या, यानी कि एक हमारे पास 51 हो गया। 51 का स्क्वायर यानी कि 51 यानी कि 50 से कितना है, एक ज्यादा है, 50 से एक ज्यादा, इस कारण हमारा 50 का कितना था यहां पर 2500 था, और ये 50 से एक ज्यादा है, तो हम अगर इस डिजिट को सेम लिखते हैं 2500, यहां पर आप देखिए ध्यान से, बिल्कुल भी आप मिस ना करें, 2500 में 50 से एक ज्यादा है यानी कि हम इसमें प्लस 1 करते हैं, प्लस अगर हम 1 करते हैं यहां पर तो ये हो जाता है हमारा 26। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान दें, प्लस 1 करने में हमारे पास 26 हो जाता है, यानी कि 25 के ऊपर एक 26। अब प्लस 1 किए हैं हमने यानी कि हम इस पे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 किए यानी कि 1 का ही स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर आपने यहां पर देखे होंगे कि 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 होता है, यानी कि जो डबल जीरो हमारे पास बचते हैं उसमें डबल जीरो यानी कि 2 दहाई की संख्या, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1, तो हम उसको लास्ट में लिख देंगे, यानी कि हम ये जो डबल जीरो है उसमें हम लास्ट में लिख देंगे। इस हिसाब से हमारे पास 2601 इसकी वैल्यूज आ जाती है, कितनी आ जाती है 2601, यानी कि हमने यहां पर क्या किया, एक बार और आप समझ लीजिए, जो हमारे पास 51 है यानी 50 से एक संख्या बड़ी, यानी इस कारण हम एक उसमें बढ़ाए हैं, किसमें 25 में, ये जो हमारे पास 25 था इसमें हमने
2500 में एक बढ़ाए हैं और एक बढ़ाए इस कारण हमने एक का स्क्वायर किए हैं। ये चीज शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन जो दो संख्या उनमें से लास्ट में आपने दहाई की संख्या इस कारण आपने 01 लिखे हैं। अगर मान लीजिए डबल आती तो आपको डबल लिखना होता, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब हम थोड़ी और बड़ी संख्या देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास 53 है। 53 में आप ये चीज जान गए होंगे कि 53 में कितना है 50 से ज्यादा, 3 है, यानी कि 53 तीन ज्यादा है। अब तीन ज्यादा है इस कारण हम 2500 यानी कि 25 में तीन जोड़ते हैं, तो होता कितना है हमारे पास 28। यानी कि 25 के बाद हम प्लस 3 करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 28। और लास्ट में डबल जीरो है 2500 में, तो जो डबल जीरो है और हमने तीन जोड़े हैं, यानी कि तीन का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 9, यानी कि 3 3 9। अब 9 जो है तो 9 इकाई और दहाई दो में एक संख्या है, यानी कि ये लास्ट में आएगा 09। यानी कि 25 में तीन जोड़े आपने, 28 आ गया आपके पास, और डबल जीरो की जगह एक जीरो और 9, ये आ जाता है आपके पास 2809। इस तरह से आपने निकाल ली। अब और थोड़ी बड़ी अगर आपके पास संख्या हो जाती तो आपको क्या करना है, ये चीज हम यहां पर देख लेते हैं। 57 का सेम ट्रिक रहेगी 57 के लिए, कि यहां पर हमें 2500 जो है हमारे पास उसमें से प्लस 7 करना है। 25 के प्लस 25 और 7 कितना होता है आपको पता है, 25 और 7 हमारे पास होता है 32। और डबल जीरो जो है तो हम डबल जीरो लगा देंगे, लेकिन जो 7 है उसका हमें स्क्वायर भी करना है फिर, क्योंकि हमने 7 जोड़े हैं। तो 7 का हम जब स्क्वायर करते हैं तो 47 49, यानी कि 49 हमारे पास ये यहां पर हो जाता है 7 का स्क्वायर 49। तो हम यहां पर 49 लिख देते हैं, क्योंकि ये यहां पर इकाई और दहाई में दो संख्या है, तो हम 49 लिख देते हैं। इस हिसाब से हमारे पास 3249 हमारी वैल्यूज आ जाती है। अगर 50 के अराउंड है, तो अगर आपको चाहिए कि 100 के अराउंड होता है तो हम किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अदर हो, जैसे कि 50 की जगह आपकी 30 हो, 25 हो, इस तरह से कुछ भी डिजिट हो 100 के अंदर, जो भी है 100 के अंदर, तो उसका भी अगर आप वीडियो कमेंट्स करके बताते हैं तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो चाहिए नहीं, उस बेसिस पे हम आगे वीडियो बनाएंगे। अब हम देखते हैं 49, यानी कि आपका एक कम है, तो अब एक कम हो जाता है यहां पर। अभी तक हम प्लस पे चल रहे थे, अब हम माइनस पर आते हैं, क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये किसी भी मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर अब हम माइनस की बात करें, हमने क्या एक डिजिट लिया 49, हमारे पास 49 डिजिट हो जाती है, यानी कि 50 से एक कम। 50 का आपको पता था कि हमारे पास कितना है 2500 आता है 50 का, हम यहां पर लिख लेते हैं 2500। लेकिन 2500 के बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये 50 से कितना कम है, एक कम है, यानी कि 25 में हम एक कम करते हैं। 25 में एक कम करते हो आप तो आता है आपका 24, माइनस 1 करते हैं तो, और एक का स्क्वायर आपको पता है 01, जैसे कि हमने इससे पहले किए थे 51 में जो, तो 01, तो यहां पर हो जाता है हमारा 2401 उसका आ जाता है। यानी कि अगर प्लस था तो आपको प्लस 1 और उसका स्क्वायर करके लास्ट में लिखना है, अगर माइनस होता है तो 25 में एक माइनस करना है आपको 24 लिखना है, और लास्ट के दो जो जीरो थे हमारे वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको उसका स्क्वायर लिखना है, यानी कि एक का स्क्वायर एक होता है और दो जीरो हैं, यानी कि लास्ट में आपका आ जाएगा। अब हम एक थोड़ी सी छोटी संख्या देख लेते हैं सबसे लास्ट में, 46 है सपोज दैट, मान लीजिए आप, तो आपका यहां पर 25 में 46 यानी कि 46 चार कम है, तो 25 में से चार जाते हैं तो आपका कितना बचता है 21। अब आपके पास लास्ट में डबल जीरो आएंगे तो उनकी जगह अगर चार कम किए हैं तो चार का हम स्क्वायर भी करेंगे, ये सिंपल सी बात है। जब हम चार का स्क्वायर करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस किए होंगे, चार का स्क्वायर करने में 4 4 16 होता है, जो कि हमारे पास यहां पर डिजिट है। अब हम चार का जब स्क्वायर करते हैं 16 आता है, तो वो 16 हमें यहां पर कर देना है, यानी कि 2116 आपके पास वैल्यूज आ जाती है, और इस तरह से आपके कैलकुलेशन पूरे फिक्स और सही हो जाते हैं, और आप एक मिनट में यानी चुटकियों में निकाल सकते हैं।
कि आपका वर्ग कितना आया। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें इसी तरह के आपको वीडियो और नए नए कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिशन बेसिस एग्जाम के लिए तैयारियों के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह से आपको सिर्फ एक चीज, अगर आपको कुछ नहीं हो रहा तो याद कर लेना है, 2500 होता है 50 का हमारे पास जो वर्ग होता है, और अगर याद नहीं करना है तो 5 का 25 होता है, यानी कि 5×25 कह सकते हैं, और 10 का 00 से भी आप याद रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके मैंने जो कहा हूं वो उसे जरूर बताएं आप कि आपको और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, उस बेसिस पर हम मेहनत करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।